हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। तो आज का जो तजुर्बा है वो चटपटा होने वाला है, वो थोड़ा सा खाने वाला तजुर्बा होने वाला है। खाने से रिलेटेड ऐसे होने वाला है कि आज हम सिखाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे कि भटके डुबके कैसे बनते हैं, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपीज है उत्तराखंड की, जो भी रेसिपीज होती हैं। और ये भटकी दाल है, भटकी दाल मतलब आलिया भट्ट वाला भट्ट नहीं, ये दाल होती है पहाड़ी कुजीन है, जो वाइट और ब्लैक दोनों होते हैं, जिसको ब्लैक सोए भी बोला जाता है और सोयाबीन भी बोला जाता है और ब्लैक बीन्स भी बोला जाता है। वैसे ये मेनली उत्तराखंड के पहाड़ी रीजन्स में होती है, वहाँ का ये बहुत एक्टिव फूड माना जाता है, बहुत खाया जाता है वहाँ पे। और अगर आपको यहाँ पे परचेज करना है दिल्ली एनसीआर या बाहर कहीं पे, तो आप अमेजोन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं सारे। जब आप इसे खाओगे ना तो ऐसा मक्खन के ऐसा टेस्ट भी आता है, ऐसा लगता है ये थोड़ा सा चिकनाई भी छोड़ता है शायद, और ये बहुत टेस्टी होते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है पर्सनली। तो जो भटकी दाल है बेसिकली ये ठंडियों में भी खाई जाती है, गर्मियों में भी खाई जाती है, और इसकी दाल भी बनती है, इसकी चुरकानी भी बनती है, इसके डुबके भी बनते हैं। तो तीनों में डिफरेंस है, दाल सिंपल दाल होती है, चुरकानी जो होती है भट्टों को भून के बनती है, पहले भट्ट भूने जाते हैं फिर उसके बाद भट्टों को बनाया जाता है दाल की तरह। डुबके जो स्पेशली ये रेसिपी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और डुबके ऐसे बनाए जाते हैं, डुबके मतलब कि रात भर उनको पानी में डुबा के रखा जाता है, तो ओवर द नाइट आप भट्टों को सोक करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी दाल कैसे बनती है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, भट्ट जो है वो आयरन प्रोटीन फाइबर हर चीज में बहुत रिच होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो जैसा कि मैंने कहा था, ओवर नाइट सोक करना है, रात भर भट्टों को भिगाना है, और सुबह उठ के उनको ऐसे जार में ट्रांसफर करके पीसना है। आपको बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा रहने देना है, और भी अच्छा होगा अगर आप इसको सिलबट्टे में पीसेंगे। सिलबट्टे की तो चीजों का स्वाद ही अलग होता है, पहले टाइम पे सिलबट्टे में ही पीसे जाते थे। क्या कहना के बारों, आप देख सकते हो हमने इसको बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा रहने दिया है। बोन्स हड्डियों के लिए अच्छा होता है, पहले टाइम पे बहुत खाया जाता था पहाड़ों में भट्ट, तो आपको पता ही है कि पहले टाइम पे पहाड़ी लोग कितने हेल्दी और कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ वाले हुआ करते थे, कितना काम किया करते थे। अब तो पहाड़ी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, काफ़ी चीज़ें लुप्त हो गई हैं, बट भट्ट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, और ये थोड़ा भारी भी होता है, तो उसको पचाने के लिए भी अच्छा हेल्दी सिस्टम चाहिए। भट्ट के डुबके अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो आपका पेट भी ख़राब हो सकता है, तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड। बट ये और भी अच्छा बनता है जब आप इसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हो। पहले टाइम पे इसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाया जाता था, जिसकी वजह से स्वाद इसका दुगना हो जाता था। डाली डाली फूलों की। तो इसको पीसने के बाद अब हमने कर लिए इसको गैस पर चढ़ाने की तैयारी। तो हमने लिया है छिला हुआ प्याज, उसको अब हम चॉप करेंगे, और चॉप्ड अदरक है, जिंजर, और है हमारे पास लहसुन। तो चॉप्ड लहसुन के अलावा हमारे पास है पेस्ट, जो है अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें हम टमाटर नहीं डालते हैं, मेक श्योर आपको स्वाद चाहिए तो आप डाल सकते हैं। तो गैस पे हमने चढ़ा दी है कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है तेल, कोई भी तेल डालो, सरसों का डालो, ऑलिव ऑयल डालो, और तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिएगा, अगर आप ज़्यादा खाते ज़्यादा डालिए, कम डालें कम खाते तो कम डालिए। और तेल में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा हींग, हल्का सा, और ये है जख्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जख्या के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था एक अपनी वीडियो में, जख्ये का लिंक मैं फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जख्या डाल के ना अलग ही फ्लेवर आ जाता है खाने में, तो ये भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा मोस्टली जख्या, ये वहीं का प्रोडक्ट है। और आफ्टर जख्या आप जीरा भी डाल सकते हैं जख्या के बदले। आफ्टर जख्या हम डालेंगे इस पे चॉप्ड अनियन, कटा हुआ प्याज, डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और हाँ, एक चीज और, जो मजा भटके डुबके चूल्हे के खाने में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। तो ये सबसे मजेदार चूल्हे में ही बनता है, 2-3 घंटे जब इसको चूल्हे में पकाया जाता है ना, तो एक अलग ही स्वाद आता है। इसके लिए आपको पहाड़ जाना पड़ेगा। सो इट्स टाइम टू पुट पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था, अदरक लहसुन मिर्च का, और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। और फिर जिस पे हमने पेस्ट बनाया था उस जार पे हम और पानी डाल के अच्छे से उसको क्लीन करके फिर से हम उसको उसी में डाल देंगे। हम लोग वेस्ट कुछ नहीं करेंगे और उसको बीच बीच में अच्छे से चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हो प्याज मसाला सब कुछ अच्छे से भुन चुका है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड पिसा हुआ भट्ट। अब इस स्टेज में हम अपने भट्ट इसमें डाल देंगे,
और अच्छे से इसको अब हम घोटेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है, और इसको अच्छे से घोटना है। फिर मेरे उत्तराखंड में बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। इसको अच्छे से चलाना है और गैस कम नहीं करनी है, आपको तेज आंच पे ही इसको रखना है। और अब है इसका असली काम, इसको बस चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, और इसको तब तक पकाना है तेज आंच में जब तक ये अपना कलर ना छोड़े, जब तक ये हल्का हल्का ग्रीन ना होना शुरू कर दे। इसको बहुत हिलाना पड़ता है, इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, बट ये डिलीशियस भी उतना ही होता है। तो ये ग्रीन हो गया, अब इसके बाद इसमें हम करेंगे मसाले ऐड, अपने जो भी स्पाइसेस हैं। तो इट्स टाइम टू ऐड सम मसालास। मसाले आपके ऊपर है, आप गरम मसाले पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। अब देखो इस स्टेज में इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि। हमारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए, पक गए हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाना होता है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हम इसे बहुत पकाएंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटा हमें इसे चूल्हे में रख के अब पकाना है। तो यस, इसका प्रोसेस और लंबा होता है। अभी आप देख सकते हो ये हमने पानी मिला दिया है, बट अभी हम इसमें और पानी मिलाएंगे, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करेगा। और 1-1.5 घंटा इसको ऐसे ही छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि पेस्ट बन गया है, सूख रहा है, तो और पानी इसमें ऐड करो और नमक ऐड करो। या तो इसको बेसिकली बहुत बड़े बर्तन में बनाया जाता है, बट हमारे पास बर्तन बहुत बड़ी कढ़ाई है नहीं, तो अभी हमने इतना ही पानी डाला है, बाकी पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। वो भूमि तेरी जय जयकारा। अब हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, मगर जब आप पानी ऐड करोगे उसके थोड़ी देर बाद आपको गैस को सिम करना है, तो आपको धीमी आँच में इसको पकाते रहना है। अब इसको आप छोड़ दो, धीरे 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 पकता रहेगा, अपने आप पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा, पकता भी रहेगा। पर यस, बीच बीच में इसको हिलाते जरूर रहना, नहीं तो उसकी डलियां भी बच सकती हैं। तो इसको थोड़ी देर में हिलाते रहना। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। अब लगभग 1.5 घंटे बाद ये बन चुका है, और हमने गैस सिम करने के बाद अब हमने गैस बंद कर दिया है, और आप देख सकते हो अब इसके ऊपर हम देंगे तड़का। गैस बंद है हमारी, हम दूसरे पैन में थोड़ा सा घी लेके, घी के ऊपर हम जीरा और लहसुन, और आप चाहे तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इसका अलग से हम तड़का देंगे। तो ये थोड़ा सा स्टाइल होता है ऊपर से, थोड़ा सा कह सकते हो कि गार्निशिंग करने का इंडियन फूड। ताली ताली तराई कुनी उकुनी मली मली भबरा मेरे माला, उकुनी मली मली भबरा मेरे माला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी।